और देखिए इसको लगाना होता है, जेब में रखना होता है। कभी ऐसा होता है कि हम शर्ट घर से कंधे पर लेके जाते हैं तो जहाँ मर्जी आती है तो ये सामान लेना और भी करिए, हम जो भी करिए, आपने मास्क लगाइए, हमें बाकी आपकी लाइफ से कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरी आपकी तो करती है लेकिन जान जान से बचाइए। अभी मास्क लीजिए, आगे लगाइए, जान को खतरे में मत डालिए। आपको पता क्यों हुआ आपका चलाना आज 100 रुपए का? मास्क नहीं पहना। तो आगे से कैसे करेंगे आप? मास्क पहनेंगे और बाकी लोगों को क्या बताएंगे? बिल्कुल मास्क पहन के निकले सर। आज आपने जो मास्क बिना लोगों की टैग लगाई है, क्या कहना चाहिए, कितनी चलान की है? आज नहीं, हम रेगुलरली कर रहे हैं, एक रेगुलर फीचर है हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, हमारे लोकल जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनके साथ, तो डिफरेंट एरियाज में हम जा रहे हैं। मेरी एक ही रिक्वेस्ट है जम्मू शहरियों से, जम्मू के जो शहरी हैं, क्योंकि कोरोना वायरस का जो अभी थ्रेट है वो अभी चल रहा है, अभी चैलेंजिंग सिचुएशन है, अभी हम परेशानी बढ़ सकती है अगर हम अपने जो नियम है, जो SOP गवर्नमेंट ने यूपी एडमिनिस्ट्रेशन की और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जो की है उसको अगर पालन हम नहीं करें। और मोस्टली ये देखा जा रहा है कि बच्चे बाइक्स पर घूम रहे हैं बगैर मास्क से। मेरी पेरेंट्स जो हैं, खासकर जो पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को घर से बाहर अगर ज़रूरी है जाना तो जाएं, लेकिन उनको इंश्योर करें कि वो मास्क लगा के जाएं। बड़ी बार ऐसा देखा जाता है कि बच्चे क्या करते हैं, मास्क जेब में रखा होता है, पूछते हैं, कहते जी जेब में रखा हुआ है, ये कोई हैंकर चीफ तो नहीं है। अब ऐसा वक्त आ चुका है, हमें काफ़ी परहेज़ करने की ज़रूरत है। जैसे हमारे लिए जब हम कपड़े घर से लगा के जाते हैं जो ज़रूरी कपड़े हैं, और वापस जब आते हैं तब उतारते हैं, तो लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि इसको भी एक कपड़े का पार्ट समझिए मास्क को, जब तक ये कोरोना वायरस है। ये नहीं कि जब मर्जी आई लगा दिया, जब मर्जी आई, कोई चॉइस नहीं हमारे पास, ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड की ज़रूरत है। अगर वायरस को जाना होगा तो थोड़ी देर कहते अभी उतारा था, अभी मैं दवाई लेने जा रहा हूँ, अभी मैं कुछ जा रहा हूँ। मुझे लगता है कि काफ़ी लोग समझ नहीं पाए हैं कि आप जो भी करिए, जो कर रहे हो वो करिए, लेकिन हमारा यही कहना है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का कि अपने आप को बचाइए। जो सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स हैं, जो इसके हैं, कंपलसरी वियरिंग ऑफ मास्क, ये कोई बड़ी कीमत वाली चीज़ नहीं है, सिर्फ लगाना है और अपने आप को बचा के रखना है, लोगों को भी बचाना है। तो ये आगे भी हमने इंटेंसीफाई कर दिया है, हम कोई वो सख्त मेजर्स नहीं लगाना चाहते हैं, कोर्सिव मेजर्स इसको इन्फोर्स करने के लिए, लेकिन लोग अगर मजबूर करेंगे तो कोई चारा नहीं है। तो अपना मिनिमम प्लान कर रहे हैं आप? नहीं, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि कैसी सिचुएशन है, वायलेशन किस चीज़ किस्म की है, लेकिन मेन हमारा इस वक्त तो सेंसिटाइजेशन ही ज़्यादा है, कोई ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर आगे आने वाले वक्तों में नहीं होगा तो हमारे पास फिर लोगों को क्वारंटाइन भी कर सकते हैं, जो मिलेगा बाज़ार में गाड़ी में डाल के आराम से फिर बिठाना, दूसरा कोई चारा नहीं है, लेकिन वहाँ तक नौबत नहीं आएगी। मेरी पेरेंट्स हैं जो बिजनेस इस्टेब्लिशमेंट्स हैं प्रीमिसिस में, कम से कम वो देखे जाते हैं, मालक वो भी नहीं लगाते अंदर, कहते हैं ना हम तो अंदर हैं कमरे के, या उनके साथ जो इम्प्लाइज हैं वो भी नहीं लगाते हैं। इनकी जो मालक है, जो भी प्रीमिसिस का मालक है, उसके अगर 3-4 इम्प्लाइज हैं वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। मेटाडोर में अगर ड्राइवर जो है वो अपने पैसेंजर्स को उठा रहा है, उसकी जिम्मेवारी है। मास्क जिसको नहीं लगाया उसको मत उठाइए। दुकानदार जब तक अगर उसके ग्राहक ने मास्क नहीं लगाया मत दे दीजिए, और ग्राहक को भी चाहिए उस दुकानदार के पास जाइए जिसने मास्क लगाया और जिस कमरे के अंदर सब उन्हें मास्क लगा और जहाँ वो सेफ है। तो जो शहरी हैं, जो जनरल इंटेलिजेंसी है, उनसे सभी से हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि एक लोगों में भी एक मोबिलाइजेशन हो, लोग जो है माने, कम से कम जो चीज़ें हम आसानी से कर सकते हैं उनमें करने में क्या है, इतनी आज़ादी की नहीं है। अभी वक्त अभी क्रिटिकल है, चैलेंजिंग सिचुएशन है, तो हम अपने आप को तभी बचा पाएंगे जब इनका हम पालन करेंगे। हमारी रिक्वेस्ट पालन के लिए है और ये आगे भी ड्राइव चलता रहेगा सभी जगह पर।